अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नवी वीडियो ते नवी रेसिपी दे नाल तुहाडी खिदमत च हाजिर हां। मेरी अज दी वीडियो बड़ी स्वादी है, इसलिए मेरी वीडियो नूं आखिर तक वेखियो ताकि पूरी रेसिपी दा तुहानूं पता चल सके। जिस वेले मेरी वीडियो नूं वेख लिओ ते मेरी वीडियो नूं लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करियो ते नाले मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करियो। आखिर इक घंटी वाला बटन दबाना नहीं भुलना। ते अज दी रेसिपी च मैं तुहानूं बनाउणा सिखावांगी आलू वाले रोल। आलू वाले रोल बनाउणे दी रेसिपी ते तुसीं बहुत सारियां वेखियां होणगीआं, मैं तुहानूं वखरे तरीके नाल बनाउणा सिखावांगी। हुण असीं तियार करन लगे आं फिलिंग। ते फिलिंग वास्ते असीं लै उबले होए आलू हसबे जरूरत, दूसरी साइड से असी लिया पैन, तो असी थोड़ा ऑयल लिया जिंदी की सानू जरूरत सी। मट्टी आ गई तो जिस वे ऑयल गर्म हो जाए दो दरमियानी प्याज कटी हुई शामिल कर देनी, चार तो पांच सब्ज मिर्चा भी कटी हुई शामिल कर देनी। बड़ा चमचा लाते रहना, अग भी मट्टी रखनी है, जिस तरह की तुम वीडियो देख सकते हो। एक खाने वाला चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देना। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके 30 सेकेंड वास्ते पका लेना। तो फिर उस तो बाद मुर्गी के गोश्त उबाल लेना, तो रेशे कर लेने हैं। एक प्याली वो शामिल कर देनी है। मुर्गी का गोश्त अपनी पसंद के मुताबिक भी शामिल कर सकते हो, अगर किसी को नहीं पसंद तो नहीं भी शामिल करे तो कोई मसले वाली गल नहीं। मुर्गी के गोश्त के रेशे शामिल करके 1 मिनट वास्ते असी पका लेना। तो फिर उस तो बाद 1 चाय वाला चम्मच दरदरा मिर्च का शामिल कर देना, 2 चाय वाले चम्मच सुरख मिर्च के भी शामिल कर देने हैं, नमक 1 चाय वाला चम्मच, तो फिर इस तो बाद 1 चाय वाला चम्मच हल्दी का शामिल कर देना। तो हुण असी अच्छी तरह मिक्स भी कर लाँगे, तो 30 सेकेंड वास्ते पका भी लवेंगे। पकाने हुए सन 30 सेकेंड हो गए, तो उबले हुए आलू असी मैश करके रखे हुए हूँ वो शामिल कर देने हैं। तो हूँ मट्ठी जी आग के उत्ते आलूआं अच्छे तरीके दे नाल मिक्स कर देना। रोल वास्ते फिलिंग तैयार है। आखिर सबज धनिया कटिया हुआ शामिल कर देना, धनिया आलूआं अच्छी तरीके दे नाल मिक्स कर लेना। इस तरह तुसीं वीडियो विच वेख सकते हो रोल वास्ते फिलिंग साडी बिल्कुल तैयार आ। तो हुण असीं इस फिलिंग नूं इक डोंगे विच कढ लवांगे। रोल वास्ते तैयार कीती हुई फिलिंग डोंगे विच पा के ठंडा होने लई इक साइड दे उत्ते रख देवांगे। दूसरी साइड ते रोल बनाने लई सब तों पहलां असीं बनावांगे डो। उहदे वास्ते सानूं चाहिदा 1 कप मैदे दा, 3 खाने वाले चम्मच ऑयल शामिल करने आ। फिर इस तों बाद 1 चाय वाला चम्मच नमक दा शामिल कर देना वा। नमक शामिल करने तों बाद 1 चाय वाला चम्मच सबज़ जीरे दा शामिल कर देना। तो हुण मैदे नूं उसे तरह ही गुन लेना जिस तरह कि तुसीं आटा गुनदे हो। ख्याल रखना कि डो बहुत ज्यादा सख्त भी ना हो तो बहुत ज्यादा पतली भी ना हो। मैदे को अच्छी तरह के गुन लेना, गुन के एक पेड़ा बना लेना। पेड़ा बना के उत्ते हल्का हल्का तेल लगा के ते एक साइड के उत्ते रख लेना। डो इसे तरह ही 5 मिनट तक पई रहे। 5 मिनट तो बाद छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। तो हूँ मैं एक पेड़ा लिया, तो इन्हें बेल लिया, अच्छी तरीके के रोटी बना ली है। रोटी बहुत ज्यादा मोटी ना हो, पतली रखनी है जिस तरह की तुम वीडियो देख सकते हो। रोटी बन गई है। तो हूँ असं आलूआं जी फिलिंग तैयार की हुई थी रोटी के उत्ते रखनी है जिस तरह की तुम वीडियो देख सकते हो। जिस वे फिलिंग रोटी के उत्ते रख लवो, तो इस तरीके फिलिंग पैक करना रोटी के अंदर जिस तरह की तुम वीडियो देख सकते हो। साइडा बिल्कुल कवर करनिया वा ताकि ऑयल ना अंदर जा सके। अलहमदुल्ला रोल सारे बन गए हैं। तो हूँ असं इन्हों फ्राई करा। सब तो पहले लवेंगे असं सरसों का तेल। मैं इतने सरसों का तेल इस्तेमाल किया, जोड़ा मर्जी इस्तेमाल कर लवो जो को दस्तियाब आ। ऑयल कोई भी हो, सब तो पहले उन्होंने अच्छी तरीके गर्म करना, फिर रोल में पाँना, अग मठी रखनी है। तो मैं तुम्हें एक गल दस दी जावा, जी रोल की पट्टी तुम तवे के उत्ते गर्म करके पकई हुई होंगी है, तो वास्ते बेशक अग तेज़ भी कर लो तो कोई मसले वाली गल नहीं। जिस तरह मैं रोटी बना के फौरन ही रोल बना लिया, तो मट्ठी अग के उत्ते पकाओगे तो अंदर तक पक जाएगा अच्छी तरीके दे नाल। जिस वेले रोल का कलर गोल्डन जहा आ जाए, तो उस वेले तुसी एक प्लेट च कढ लैणे आ, तो चुल्हे की अग भी बंद कर देनी है ताकि जल ना जाण रोल। वेखण नूं तां रोल बड़े ही वधिया लगण दे आ, बड़े स्वादी लगण दे आ। तो हुण असीं खा के वेखांगे तो इहनां दा जायका किस तरह का वा। घर च मौजूद कोई भी चटनी या कैचअप दे नाल भी तुसी खा सकदे हो। तुसी वेख सकते हो रोल अंदर तक बहुत ही अच्छे तरीके दे नाल पक गया है, तो बहुत ही वधिया टेस्ट है। तुसी भी अपने घर जरूर ट्राई करना, तो मैनू कमेंट करके जरूर दसना तुहानू इह रेसिपी किदां दी लगी। इन्हां दुआवां च याद रखना। इसे नाल ही अज्ज दी वीडियो दा करदे हां एंड, इंशाल्लाह नवी वीडियो ते नवी रेसिपी दे नाल फिर होवांगे हाजिर। उस वक्त तक इजाजत, रब रखा।